students, good morning and welcome to Sagar College of Science. So my dear students, I know you all are waiting for your new syllabus. तुम्हें new syllabus पाई सब wait करते हो. As you know that तुम्हें जाने चाहिए जिम्ती की government syllabus को deduct करी बार थिला. तो yesterday आमे सेटा को जाने को पाई लूँ जे syllabus modified है कि आस्ती जोटा कि तुम्हारा new syllabus जिम्ती की तुम्हारा थिला जो invitation तुम्हारा तो सही चार्टा ही वही होची 1, 2, 3, 4 invitation 1, 2, 3, 4. But तारको टिके modified है कि किसी topic काटी दिया है इची से तो deduct करा है इची किसी topic आउ new syllabus आस्ती इचा मेरे टा काली जाने को पाई लूँ. So today I will not take any classes, just I will discuss about the analysis and discussion on new syllabus of CHSC for academic section 2020 to 2001. So I will discuss today the whole syllabus. The syllabus for both first year and first second year students. Okay, तो आज हमें जमती के जानी चाहिए syllabus is more important. जो टेक syllabus जानी बात हम पाई important कहीं के ना तो मैं सही उनसारे निजो को prepare करी बो. तो आप मेरा first टिके discuss कर दे बाजे तुम्हारे कौन-कौन syllabus अच्छी. Just listen carefully. For first year, first I will discuss the for first year students the revised syllabus for session 2020 to 2021. For first year, invitation 1 you had 5 projects, so 5 projects thila, but that could deduct है कि you have 3 projects and 4 poetries. Invitation 1 रे तो तुम्हारे जो 3 projects अच्छी कौन कौन है? First one is standing up for yourself. Second one is the legend behind a legend. Third, in London in -4. तो तुम्हारा prose रो 3 prose अच्छी. Then तुम्हारा poetry section. Poetry section ने कौन अच्छी ना? First poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Second, Oft in the Stilly Night. Third, the Inchcape Rock. And fourth, To My True Friend. तो जो invitation 1 ने तुम्हारा 3 prose and 4 poems. Then come to the invitation 2 जोटा कि तुम्हारा नॉन डिटेल पार्ट से इतने तुम्हारा कौन-कौन होची ना 3 क्वेश्चंस आफ्टर 20 इयर्स एंड द ओपन विंडो इतने तुम्हारा इनविटेशन 2 रे 3 टा. Then invitation 3 जोटा कि तुम्हारा राइटिंग स्किल से इतने कौन-कौन होची राइटिंग ए पैराग्राफ. Second, डेवलपिंग आइडियाज इनटू पैराग्राफ. Then राइटिंग पर्सनल लेटर्स एंड नोट्स, राइटिंग एप्लीकेशंस, ऑफिशियल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स. द लास्ट वन इज यूजिंग ग्राफिक्स. तो ये तुम्हारा 5 टा यूनिट अच्छी. 5 टा जोटा कि जोटा कही गली से तुम्हारा राइटिंग स्किल 5 टा अच्छी. देन तुम्हारा जो इनविटेशन 4 जोटा कि ग्रामर सेक्शन से तुम्हारा अच्छी कौन मोडल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड द इंपेरेटिव्स. तो फॉर फर्स्ट ईयर एटा होची तुम्हारा पूरा होल सिलेबस एतिकी. देन कम टू द सेकेंड ईयर सिलेबस. कम टू द जो सेकेंड ईयर जो पिला मान को पे फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. तुम ये इंपोर्टेंट कहीं ना तुम ये मार्च रे तुम से जो काउंसिल एग्जाम तुमको दबार अच्छी. देख तुम प्रोज रू अच्छी माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ऑन एग्जामिनेशन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. इनविटेशन 1 प्रोज रू. देन इनविटेशन से 1 रो पोएट्री सेक्शन में कौन अच्छी डैफोडिल्स, द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन एंड साम ऑफ लाइफ. ओके. देन कम टू द इनविटेशन 2 नॉन डिटेल जोटा कि तुम फर्स्ट अच्छी द डॉक्टर्स वर्ड, मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग केप, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. एंड तुम इनविटेशन 3 रे कौन अच्छी राइटिंग स्किल जोटा से इंटरप्रेटिंग ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स एटसेट्रा. सेकेंड, रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड बिजनेस मैटर्स. थर्ड, एक्सटेंडेड राइटिंग. ओके. देन ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन में कौन अच्छी द पैसिव, डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच, इंटरोगेटिव्स एंड फ्रेजल वर्ब्स. क्लियर. तो तुम्हारा जो थिला तुम्हारा 5 टा प्रोज, 5 टा पोएम एथे भी तुम्हारा सेकेंड ईयर रे भी तुमको डिडक्ट करा है कि एथे तुम्हारा मॉडिफाइड है कि ए सब सिलेबस तुम्हारा दिया जाय छी. तो जेमति कि जानि छौ जे तुम्हारा सिलेबस अनुसार आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 प्रोज एंड 2 पोएम्स. 1 प्रोज कोन थिला ना माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जोटा कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट करि साची विथ क्वेश्चन आंसर्स. एंड जो पोएट्री सेक्शन अच्छे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 पोएम्स डैफोडिल्स एंड द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन. तो से भी तुम क्वेश्चन आंसर जोटा कि बुक जी क्वेश्चन एंड सम एडिशनल क्वेश्चन भी ऑलरेडी मुझे डिस्कस कर सारी. देन तुम स्टार्ट करार अच्छी कौन ना इनविटेशन 2 टा जोटा कि द डॉक्टर्स वर्ड ऑलरेडी सेटा को मुझे सारी क्लास आमर जो मैंने कॉलेज रे एडमिशन होती पाने से जो ह्वाट्सअप आम ग्रुप रे पठे दिया होची से सब वीडियोस गुड़ाक. So according to your syllabus, first to say you don't worry about your syllabus. It's our responsibility to complete the whole syllabus according to your council. जो तुम्हारा council है जैसे कि तुम्हारा syllabus दिया है जैसे इस टाइम आम दायित्व हमें ताकु कैम्पटी ताकु complete करीबा. तो गोटे पिला remember one thing just जे तम्हे माने सेत्रे ओरेड होना ही जे गवर्नमेंट आमो जमती के जानी चो जे जो आमरो ड्यू टू कोविड इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑल आर ओरेड अबाउट एजुकेशन समस्त एजुकेशन विषय रे ओरेड अछंती ऑल ओवर द कंट्री समस्त एथरे सफर होउछंती बट तम्हे जमती जान छ कि आम आवर गवर्नमेंट इज बेस्ट आमो गवर्नमेंट ट्राई करूची सेटा को केमती की कमा जीवो तो सेही अनुसार आमरो जमती के जानी परची कि पिला माने तमरो यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस तुमे टिके स्ट्रेस रहउतबो टिके बर्डन रहउतबो कि जे आमरो एग्जाम हबो कि नाही देखो एमती कि आम जाना को पाइछु एमती कि जे एबे जो तुम सेप्टेम्बर 1 रे कॉलेज खोलिबार थिला मे बी एटा आफ्टर पूजा वेकेशन जमती कि तुम अक्टोबर पूजा वेकेशन पर मे बी सेटा पूजा पर खोलिबो तो पूजा पर तुम कॉलेज खोलू कि न खोलू जदि खोलिला इट्स फाइन जदि इफ नॉट जदि सेटा को न खोले यू डोंट वरी अबाउट दैट आम ऑनलाइन द्वारा आम यूट्यूब चैनल द्वारा कि ऑनलाइन द्वारा जो मैंने कॉलेज एडमिशन होती आम वीडियोस दे चलो आम कंप्लीट वी विल कंप्लीट डेफिनेटली कंप्लीट आवर सिलेबस आम सब सिलेबस कंप्लीट करूँ एंड आम सब वी विल कंडक्ट अल्सो एग्जामिनेशन कि टेस्ट तुम जो टाइप टेस्ट भी दब आम से कंडक्ट करूँ जदि खोलीगला देन इट्स फाइन जदि आम पूजा पर खोली जाऊँचे तुम रेगुलर क्लासेस हम देन यू विल अटेंड बट जदि न खोले तेज आम ऑनलाइन माध्यम आम से कंप्लीट करिबा क्लियर तो जो जति कि तुम डाउट्स भी रही जाउची हमर जो जो व्हाट्सएप ग्रुप अनुसार हम जो कॉलेज एडमिशन हेइचंती पिला माने तो से माने व्हाट्सएप ग्रुप अनुसार ताकर डाउट क्लियर हेइ परची हेइ पारिबो ताको आमे सेटा को ध्यान रखिबा कि जे तमे केमती सेटा को कंप्लीट करिवो तो तमे सेते ओरिड होनी जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज जति कि तुमरो सिलेबस रहीची ता ऊपर फोकस करो आ तुमरो जोटा कि जमी भावुव जेहेतु लेट हो गलानी मे भी तुम एग्जाम हो न पारे मार्च रे ना सेमती किसी ना आमको लगुच गवर्नमेंट से मार्च रे ही काउंसिल एग्जाम कर कहीं जेहेतु जदि होता जदि हो न था कौन मार्च तुम हो न था जदि तुम सिलेबस सेमती ही रही था जेहेतु गवर्नमेंट सिलेबस रिडक्ट कर सारी ताने तुम मार्च रे ही एग्जाम कंडक्ट करा तो से बी केयरफुल एंड बी सिंसियर तुम सिंसियर रुह जे तुम जो मार्च रे जो माने काउंसिल एग्जाम दबो सेकेंड ईयर पिला माने तुम सिंसियर रुह जे तुमको मार्च सुधा ही तुमको प्रिपेयर होबा को पड़ो मेंटाली तुम प्रिपेयर हुओ जे तुम मार्च रे काउंसिल एग्जाम दबो तो से अनुसार तुम तुम स्टडीज उपर फोकस कर तुम टे जमीक तुम भावुल यहाँ चलती एमती के खोल जाना ना कि एग्जाम हम कि ना कि सिलेबस आसो कि ना फाइनल यू गॉट योर सिलेबस जो कंप्लीट सिलेबस तुम्हें पाइल एवं से अनुसार तुमको केमती कवर अप करिया पड़ो तुम केते घंटा तुमको परिश्रम करिया पड़ो तुम्हें से गुड़ाक कर चल आमे आम दायित्व जे आम सेटा को केमती क्लासेस नहीं कि ताको आमे कंप्लीट करवा ओके तो आज जमती कि तुमको मु कहिछि मो टॉपिक रे जे राइट डाउन द जो जति कि मु तुमको क्वेश्चन दोउछि तमे तुमको सेटा को कॉपी रे लेखो लेखि कि तुम काई कि ना निज हैंड राइटिंग ना निजे पढ़िया को भल लागे जते पारुचो आ तुम जमती कि 100 मार्क्स रोटा तुम एग्जाम तो 100 मार्क्स ही तुम जमती अटेंड करिवो गोटे भी क्वेश्चन आंसर छाड़ब ना से हिसाब से तुमको निज को प्रिपेयर कर जमती कही मुझे स्टांजा को टिके निज वर्ड रे लेख जो क्वेश्चन आंसर लिखुची ताकू जदि तुम किसी नुआ वर्ड यूज कर पारिबो से नुआ वर्ड भी यूज कर निजे यूज कले कौन कि लिटरेचर ना सेटा तो तुम जिते टिके ऑर्नामेंटल जेहेतु लिटरेचर को कह जाए लिटरेचर इज लाइक ए लेडी ताकू जिते सजेबो सेते सुंदर होता है तो सेमती किसी नुआ वर्ड जदि पारुछ एई छुट्टी भीतर निजे किसी नुआ वर्ड सब यूज कर निजे टिके लेखिया को चेष्टा कर और रईटिंग स्किल तो आम स्टार्ट करवा यहाँ सरला आम रईटिंग स्किल भी स्टार्ट करता भाव जो तुम सब कमेंट करूँ कि मैडम टे रईटिंग स्किल स्टार्ट करूँ तो जब आम बै चान्स धर रईटिंग स्किल स्टार्ट कर जब आमको डिडक्ट कर दिया तो तुमर भी टाइम लस होता ना तो आम से स्टार्ट करवा यहाँ सरला आम स्टार्ट करवा रईटिंग स्किल तो रईटिंग स्किल भी स्टार्ट कले ये खाली जे स्टार्ट करवा से नुहे तुम जोटा कि भी पढ़ुो ता भर भी तुम रईटिंग स्किल इंपोर्टाट हो तुम जी बुझुच जो लेख तो लेखिला तुम धीरे धीरे रईटिंग स्किल डेवलप हम तुम से जो ग्रामर पोर्सन रही तोर जो भर गुड़ाक रही जब तुम तार 3टा फर्म लिखुच कि तार केमती टेन्स से यूज होगी ध्यान दब तो से कौन है तुम ग्रामर सेक्शन भी टिके बेटर हो आस ठीक अच्छे तो आज आम क्लास किसी नवा ना आज जेहतु आम सिलेबस विषय डिस्कसन टी करदे तो तुम ये सिलेबस को गोटे जगार तुम लिखिपर ना तुम बही टिक करदे हाँ तुम एति सिलेबस आसी कहीं तुम से पूरा सिलेबस जेहतु देती तुम गोटे डिडक्ट होसला तो तुम से टिक मार्क कर कि तुम गोटे जगार तुम जी टपिक सब सिलेबस डिस्कसन हो गोटे जगार तुम लिखिदे तुमपाई बेटर इजी हम कि मन रखापी जे हाँ हाँ एति आम सिलेबस अच्छी कि जे आम एति कम्प्लीट कर चलचे आम कम्प्लीट गोटे टिक कर हाँ यहाँ सरीगला यहाँ सरीगला यहाँ सरीगला तो जिते सरीज आम भी सही जो तुम सिलेबस सरीज आफ्टर कम्प्लीटिंग द सिलेबस आई विल रिवाइज इट अगेन आम सबू को जी आमको पढ़ाई सबूक रिवाइज भी करी आम टेस्ट भी कंडक्ट करवा जदि कॉलेज न खोले जदि कॉलेज खोलीगला देन इट्स गुड ओके तो जमती कि समस्ते ऑल आर वरीड अबाउट द एजुकेशन ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो आम थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ये स्टेप नेला कि सिलेबस कमेदेला कि पिलामानकर टिके बर्डन टिके कमी जाइथिबो आई थिंक कि कहीं से एते भास्ट सिलेबस थिला बट टाइम लिमिटेड थिला सेमान को टिके कंप्लीट करिया पे प्रॉब्लम हेइथिबो बट जेतबे जानलो जे सिलेबस तुमरो एतिके कमी जाइछि तो इट्स इजी फॉर यू टू कंप्लीट द होल सिलेबस ड्यूरिंग योर तुम जो सर्टेन पीरियड दिया ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड तुम सिलेबस कंप्लीट कर पार ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।